मेरी बजा के जाते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेइज्जती करने वाला मैं कौन होता हूँ? आप खुद ही जैसा परफॉर्म कर रहे हैं हो ही जाएगी थोड़ी देर में। और मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, ये ITA 12वां अवार्ड आज हो रहा है और ये पहला अवार्ड है जिसमें आप सब जानते हैं। उसके बाद देखा देखी बड़े अवार्ड आए और बड़े आएंगे अभी, भेड़ चाल इंडिया में। एक्चुअली एकता जी ने जब सास बहू के ऊपर टीवी सीरियल्स बनाए तो सबने सास बहू के ऊपर बनाने शुरू कर दिए। मतलब हिंदुस्तान में इतनी सासें नहीं होंगी जितनी टीवी सीरियल में आनी शुरू हो गई थी। पर मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है, टीवी इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी हो गई है और आज अगर किसी फिल्म की प्रमोशन भी होती है तो वो भी टीवी के माध्यम से होती है। सो मैं चाहूंगा कि हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आज हम टीवी के उस दौर में हैं। लेकिन कई बार मुझे कास्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आज अवार्ड फंक्शन में जितने भी लोग आए हैं, कुछ लोग अवार्ड लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं, कई ना लेने आते ना देने, कोई लेना देना नहीं होता उनका, उनको फिर एंकर बना देते हैं। नहीं, मैं उन एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो यहां पर है। सामने श्वेता बैठी हुई है मेरी फ्रेंड, श्वेता का मैं इतना फैन हूं, मतलब ये आदमी बर्थडे के हिसाब से हर साल थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, ये हर बर्थडे पे छोटी हो जाती है। कसौटी जिंदगी में देखिए इसके बच्चे कितने कितने बड़े थे, अपनी बेटी के साथ चली जाती लगता है देवरानी जेठानी जा रही है। अभी परवरिश में बच्चे दोबारा स्कूल में आ गए हैं, इसी हिसाब से रिड्यूस होती रही। मुझे लगता है अगले साल लिटिल चैंपियन आ जाइए। कास्टिंग कई बार गलत हो जाती है, जैसे रोनित राय साहब वकील बनाया, ऐसे बंदे को जज बनाओ आप, बड़ी गाड़ी में आ रहा है, वो जो ऑटो में आता उसको जज बना दिया आपने। लेकिन मेरे भाई राम जी की कास्टिंग बड़ी सही हुई है सीरियल में, बड़े अच्छे लगते हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा एडिट करना चाहिए, बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। पर मुझे लगता है कि सामने वाली जो लीड है ना वो थोड़ा गलत हो गया। ये नहीं मतलब साक्षी जो वेरी गुड एक्ट्रेस, पर अगर भारती को लेते तो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे लगता है साइज के हिसाब से। पर राम भाई एक प्रॉब्लम थी, वो किसिंग वाला सीन जो पिछले दिनों आप रोमांटिक हो गए थे ना, वो नहीं कर पाते आप, क्योंकि होट मिलने से पहले पहले पेट मिल जाते तो। सॉरी राम भैया, क्या करें अब, कमाई इसी चीज की करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस पाजी, थैंक यू सो मच।